गोपियां कच्ची नहीं थी, गोपियां पक्की थी। अच्छा, पक्की थी मतलब, पक्की थी मतलब उनके अंदर कोई वासना नहीं थी, कोई कामना नहीं थी, केवल एक इच्छा थी प्रभु को पाना। और कृष्ण कौन है? जोर से, जोर से, भगवान। और गोपियां कौन है? गोपियां कौन है? गोपियां कौन है? भक्त। कृष्ण है भगवान और गोपियां हैं भक्त। और रास क्या है? रास क्या है? रास का मतलब क्या है? रास का मतलब है मिलन। किसका मिलन? भक्त और भगवान के मिलन को रास कहते हैं। आज जो लोग रास का अर्थ गलत करते हैं, उन्हें ये पता ही नहीं कि कृष्ण कौन है। कुछ लोग कृष्ण पर भी प्रश्न खड़े करते हैं। लोग कहते हैं कि कृष्ण ने रास रचाया। अरे तो भगवान ने तो गिरिराज जी भी उठाए ना एक उंगली से, तुम में हिम्मत है तुम भी उठा लो। भगवान आज पिक्चर के डायलॉग आप सुनते हैं, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो क्या कृष्ण की लीला कैरेक्टर ढीला की लीला है? नहीं, लेकिन पिक्चरों में ये बताया गया। आज के बच्चों का दिमाग खराब कर दिया गया कि कृष्ण की लीला क्या है। भगवान कृष्ण के बारे में आज के युवाओं को पिक्चरों ने जहर भर दिया, पिक्चरों मूवियों के बॉलीवुड के माध्यम से जहर परोसा गया। अब सोचिए कि आपके बच्चे कृष्ण को मानने की जगह कृष्ण पर सवाल खड़ा करते हैं कि कृष्ण ने तो रास रचाए। अच्छा, कृष्ण रास रचाए तो जरा बताओ उस रास लीला में शंकर जी आए कि नहीं गोपी बनकर? शंकर जी कौन है? जिन्होंने कामदेव को जीता हो। जो कामदेव को जीतने वाले शंकर हैं, वो भी उस रास में सम्मिलित होते हैं। हाथ जोड़कर शंकर जी कहते हैं, हे श्याम सुंदर, हमें भी अपने रास में सम्मिलित कर लो। तो बताओ जिस रास में शंकर जी सम्मिलित हो रहे हो, क्या वो रास कोई विषय वासना की लीला थी? विषय वासना को तो शंकर जी ने जला ही रखा था, काम वासना को, तीसरी आंख खोल के काम को जला ही दिया था। तो क्या शंकर जी के अंदर कोई वासना थी? इसलिए भगवान की लीलाओं में भी लोगों को संदेह इसलिए है क्योंकि जो जैसा होता है वो सामने वाले को वैसा ही मानता है। समझ रहे हैं?